तो भाई कैसे हो? तो स्वागत है आपका अल्ट्रा गेमिंग यूट्यूब चैनल में। मुझे पता है कि आप लोग रोज यही उम्मीद के साथ जागते हो कि आज पबजी का ट्रेलर आ जाएगा, मगर कहाँ, पबजी मोबाइल रोज काट देते हैं। क्या आपको पता है पबजी मोबाइल का ट्रेलर की पूरी सच्चाई? क्यों ये लोग इतना डिले कर रहे हैं? कब होगा पबजी अनबैन? आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 दिन पहले पबजी मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर अपलोड किया था। सो गाइस, आप ये बात सुनकर दंग रह जाओगे कि ये ट्रेलर आधा लॉन्च किया गया है। जी हाँ गाइस, पबजी वालों ने आधा ट्रेलर काट के पोस्ट किया है। इस ट्रेलर में आपने क्रॉन्टन, जॉनी, डायनमो को तो देखा ही होगा, मगर इस ट्रेलर में फिल्म स्टार अरशद वारसी ने भी काम किया है। फिर उनको ट्रेलर में दिखाया क्यों नहीं गया है? दरअसल पूरे ट्रेलर में ये होता है कि क्रॉन्टन, जॉनी और डायनमो बहुत ही बोरिंग फील कर रहे थे पबजी मोबाइल बैन होने को लेकर। तभी पबजी मोबाइल ऑफिशियल के आधे ट्रेलर में ये होता है कि अरशद वारसी डोर नॉक करते हैं और बोलते हैं कि गेम इज लॉन्च्ड, डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर प्ले स्टोर, मगर इस सीन को पबजी वालों ने नहीं दिखाया। दरअसल गेम तो 13th of November को ही आ जाता, मगर गवर्नमेंट ने इनको परमिशन नहीं दे रही थी कि पबजी अनबैन हो। उसी प्रोसीजर की वजह से पबजी मोबाइल अनबैन होने में इतना टाइम लग गया, और यही वजह हो सकती है कि पबजी टीजर आधा लॉन्च हुआ। और आज की लेटेस्ट न्यूज से ये पता चल रहा है कि पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन, ट्रेलर और डाउनलोड लिंक एक साथ लॉन्च होगा। वैसे कल यानी 20th of November को रिसोर्सेस के मुताबिक पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन आ जाना चाहिए, मगर अब देखते हैं गाइस कल क्या होता है। कल हमारी लास्ट होप होगी। मगर पबजी वाले भी यार कसम से ठीक है, गेम लेट लॉन्च कर रहे हैं, मगर कुछ बताओ तो यार, इतना सस्पेंस का क्या फायदा? चलिए गाइस देखते हैं कल क्या होता है। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं गुड न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।